hi everyone i hope you all are doing well so this is the second video lecture of the series that we have started so we have already discussed the 20 important mcqs on gk portion from recently conducted gkssb exams so before starting the video i will suggest you to mark your answer so that you can see your score and evaluate your preparation whether it is on right path or not so let's move on to the question सो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन हियर इज प्राइम मिनिस्टर मोदी इनागोरेट्स मेत्री सेतु बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑप्शन ए हियर इज श्रीलंका बी पाकिस्तान सी बांग्लादेश और डी नेपाल यू कैन मार्क योर आंसर सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी बांग्लादेश सो अगर हम इसके फाउंडेशन स्टोन की बात करते हैं दैट वॉज लेट ऑन जून टू थाउजेंड फिफ्टीन बाय पी एम मोदी एंड हिज बांग्लादेशी काउंटर पार्ट शेख हसीना और अगर हम इनाग्रेशन की बात करते हैं दैट वॉज ऑन टेंथ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर अगर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं दैट इज़ वन फिफ्टी मीटर लॉन्ग एंड इज बिल्ट ओवर फैनी रिवर दैट लिंक्स त्रिपुरा इन इंडिया विद Gong in Bangladesh. Okay, so another important point about Mitri Setu that it is also known as Gateway of North East. So let's move on to the next question. What was the total percentage of forest cover in the state of Jammu Kashmir, including Ladakh region, as per State of Forest Report 2003? The Forest Report. 2003 के अकॉर्डिंग टोटल परसेंटेज फॉरेस्ट कवर की कितनी है जे एंड के में आप अपना आंसर मां कीजिए सो द करेक्ट आंसर हेयर इज 19.95 परसेंट और अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ स्केर किलोमीटर देखते हैं तो इट इज 20,230 थाउजेंड टू और अगर हम टोटल जोग्राफिकल एरिया की बात करते हैं जे की दैट इज़ वन ज़रो वन थ्री एट सेवन स्क्र किलो मीटर ओके और अगर हम रीजन वाइज फॉरेस्ट कवर देखते हैं तो इन जम्मू इट इज़ फोर्टी फाइव पॉइंट एटी नाइन परसेंट इन कश्मीर इट इज़ फिफ्टी पॉइंट नाइन्टी सेवन परसेंट एंड इन लद्दाख इट इज़ीरो पॉइंट ज़ीरो सिक्स

ठीक है और अगर हम बात करते हैं कि जे एंड के हाईकोर्ट इस्टेब्लिश कब हुआ था तो दैट वॉज इस्टैब्लिश ऑन ट्वेंटी सिक्स ऑफ मार्च नाइनटीन ट्वेंटी एट अगर हम टोटल बात करते हैं कि टोटल हाई कोर्ट्स कितने हैं इंडिया में अभी तो वो हैं ट्वेंटी फाइव और अगर हम बात करते हैं कि पहला हाई कोर्ट कौन सा इस्टेब्लिश हुआ था तो सी इन एटीन सिक्सटी टू तीन हाईकोर्ट इस्टेब्लिश हुए थे ठीक है दैट वॉज़ कलकत्ता हाईकोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट एंड मद्रास हाई कोर्ट मगर फिर भी अगर हमने एक चूज़ करना हो कि इसमें से फर्स्ट इस्टेब्लिश कौन सा हुआ था तो दैट वॉज कलकत्ता हाई कोर्ट बिकॉज इट आज इस्टेब्लिश ऑन मई 1862 एंड अदर्स जो बॉम्बे हाई कोर्ट हैं और मद्रास हाई कोर्ट हैं वो जून 1862 में इस्टेब्लिश हुए थे और अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट चीफ जस्टिस जो थे जे एंड के कोर्ट के वो कौन थे तो दैट वाज लाला कुंवर सैन ये पहले चीफ जस्टिस थे जे एंड के कोर्ट के और अगर हम फीमेल चीफ जस्टिस की बात करते हैं तो वो थी गीता मित्तल जी जिनका टैन्य अभी जो करंट चीफ जस्टिस हैं अभी जिनका नाम है पंकज मित्तल इनके पहले ही उनका टैनियर खत्म हुआ है ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर वट परसेंटेज ऑफ सीट्स फॉर डी डी सी चेयरपर्सन इज रिजर्व फॉर वीमेन तो कितनी परसेंट सीट्स जो वीमेन्स के लिए रिजर्व हैं फॉर डी डी सी चेयरपर्सन ऑप्शन ए हीर इज ट्वेंटी फाइव परसेंट बी फिफ्टी परसेंट सी टेन परसेंट और डी थर्टी थ्री परसेंट

द करेक्ट आंसर हियर इज बी फाइव ईयर्स लुक पहले जो इसका टैनर था वो था सिक्स इयर्स मगर अब अकॉर्डिंग टू जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट टू तो ये चेंज होके अब हो गया है फाइव ईयर्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स हिस्सर इज विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस टाउन्स इन जम्मू एंड कश्मीर हाउस इज़ द हाइस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स इन द वर्ल्ड तो इनमें से किस टाउन में वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ग्रीन गोल्फ कोर्स है ऑप्शन ए सोपोर बी भांडीपुरा सी कुलगाम और डी गुलमार्ग सो द करेक्ट आंसर हियर इज़ डी गुलमार्ग अगर हम बात करते हैं इसकी हाइट की तो इट इज़ टू सिक्स फाइव ज़ीरो मीटर और गुलमार्ग प्रेजेंट कहाँ पर है तो ये प्रेजेंट है बारामूला डिस्ट्रिक में ओके तो गुलमर्ग इज़ ए पॉपुलर हिल स्टेशन इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज आल्सो नोन एज मिडो ऑफ फ्लावर्स ओके सो अगर हम बात करते हैं कि गुलमार्ग का ओरिजिनल नेम क्या था तो गुलमार्ग का जो ओरिजिनल नेम था वो था गौरी मार्ग मीन्स पाथ ऑफ देवी गौरी ओके okay. तो ये चेंज फिर बाद में ये चेंज किया गया वाई यूसुफ़ शाह चक ठीक है यूसुफ चक यूसुफ शाह ने इसको चेंज किया था जो कि चक डाइनेसटी को बिलोंग करते थे और जिनकी वाइफ सी फेमस कश्मीरी पोइट खब्बा खातून जिनको हम नटिंग गेल ऑफ़ कश्मीर के नाम से भी जानते हैं सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स वर हल्का पंचायत इलेक्शन सक्सेसफुली हेल्ड इन टू थाउजेंड इलेवन तो कितने सालों के बाद हल्का पंचायत इलेक्शंस दो हज़ार ग्यारह में हेल्ड हुई हैं ऑप्शन ए हेयर इज़ ट्वेंटी टू बी ट्वेंटी वन सी ट्वेंटी थ्री और डी ट्वेंटी सो द करेक्ट आंसर हेयर इज ए ट्वेंटी टू आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट विच ऑफ़ द फॉलिंग सिटीज़ इन कश्मीर इज़ वाइडली नोन एज दैफरन टाउन ऑफ कश्मीर तो इन में से किस कश्मीर की सिटी को सैफरन टाउन ऑफ कश्मीर कहा जाता है लुक स्टूडेंट्स यू कैन आल्सो डू इट बाई एलिमिनेशन मैथड्स अगर हम कठुआ की बात करते हैं तो ये कश्मीर की सिटी है ही नहीं इट इज़ लोकेट इन जम्मू और अगर हम पहलगाम की बात करते हैं पैम्पोर और बारहुल्ह की बात करते हैं ये तो ये तीनों सिटीज़ जो हैं वो कश्मीर में प्रेजेंट हैं मगर पहलगाम को हम बोलते हैं विलेज ऑफ शैफर्स और इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी पेम्पोर और अगर हम बात करते हैं कि पेम्पोर प्रेजेंट किस डिस्ट्रिक्ट में है तो इट इज़ प्रेजेंट इन पुलवामा ओके सो बेसिकली देयर आर फोर डिस्ट्रिक्ट इन जे एंड के जहाँ पर सैफरों की कल्टिवेशन होती है इनमें से एक तो हो गई पुलवामा दूसरी है बड़गाम तीसरी है श्रीनगर और चौथी है किश्तवाड़ अगर हम बात करते हैं किश्तवाड़ की तो किश्तवाड़ जो है वो ओनली सिटी है जम्मू की ओनली डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सेफ्रॉन की कल्टीवेशन होती है बाकी सारी जो डिस्ट्रिक्स हैं वो हैं कश्मीर की सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन वट इज़ द नेम ऑफ द अपकमिंग वर्ल्ड्स हाइस्ट रेलवे ब्रिज एक्सपेक्टेड टू बी बिल्ट फुली बाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू इन जम्मू एंड कश्मीर तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज जो कि जम्मू कश्मीर में बन रहा है उसका नाम क्या है सो ऑप्शन ए हेयर इज शिकारा ब्रिज बी झेलम ब्रिज सी चेनाब ब्रिज और डी इंडस ब्रिज यू कैन मार्क यू आंसर सो द करेक्ट आंसर हेयर इज सी चेनाब ब्रिज अगर हम इसकी हाइट की बात करते हैं तो इट इज़ थ्री फिफ्टी नाइन मीटर विच इज़ थर्टी फाइव मीटर टालर देन आईफिल टावर तो ये आईफिल टावर से थर्टी फाइव मीटर टाल है और अगर हम बात करते हैं इसकी लोकेशन की तो इट इज़ कंस्ट्रक्टेड इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ओके एंड एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट बाय अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी सो क्वेश्चन नंबर थर्टी इज द लव टेल्स ऑफ हीरझा एंड सोनी महिवाल आर लिंक टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स तो इनमें से किस रिवर के साथ हीरझा और सोनी महिवाल की लव स्टोरीज कनेक्टेड हैं ऑप्शन ए मारखा रिवर बी नुब्रा सी इंडस और डी चनाव सो द करेक्ट आंसर हियर इज डी चेनाब चेनाब इज लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस एंड इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ जे एंड के और अगर हम बात करते हैं इसके सोर्स की तो इट्स इज बारा लच्छा पास पास इन हिमाचल प्रदेश एंड इट इज मेड अप ऑफ टू स्ट्रीम्स दैट इज चंद्रा एंड बागा। अगर हम मारखा रिवर की बात करते हैं तो इट इज़ इन लद्दाख एंड इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ जांसकर रिवर Nubra River is also in Ladakh and it is tributary of Shyok River, जिसको हम River of Death के नाम से भी जानते हैं Let's move on to the next question. Okay, so question number थर्टी वन हैज बीन रिपीटेड सॉरी सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी टू पे क्वेश्चन थर्टी टू वट इज द लेंथ ऑफ ट्रांस हिमालय रिवर द इंडस रिवर इंडस रिवर की लेंथ क्या है द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी थ्री वन एट जीरो किलोमीटर अगर हम इंडस रिवर की ओरिजिन की बात करते हैं सो इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ ग्लेशियर नियर बुखारचू इन कैलाश माउंटेन रेंज इन तिब्बत सो इन तिब्बत इट इज ऑल्सो नोन एज सिंगी खंबन और लाइंस माउंट लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री फॉलोइंग आर विनर्स ऑफ कोविटेड पोलिटीजल प्राइज हेलिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर तो इनमें से किसको पोलिटीजल प्राइज मिला है जे एंड के में यू कैन मार्क यू आंसर सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी दैट इज दरियासिन मुख्तार खान एंड चन्नी आनंद अगर हम पोलिटिकल प्राइज की बात करते हैं सो इट इज़ एन अवार्ड गिवन फॉर अचीवमेंट्स इन न्यूज़पेपर जर्नलिज्म मैगजीन लिटरेचर एंड म्यूजिकल कंपोजिशन इन यूएस और ये उल्टजर प्राइज 2020 के विनर्स हैं ये बेसिकली तीन फोटो जर्नलिस्ट हैं जिनको ये अवार्ड मिला था फॉर स्ट्राइकिंग इमेज ऑफ वैली इन कश्मीर और अगर हम बात करते हैं कि 2021 में इंडियन ओरिजिन के विनर्स कौन हैं तो वो हैं मेगा राजा गोपालन ठीक है इनको ये अवार्ड मिला है फॉर एक्सपोजिंग चाइनाज चाइनाज उगर मुस्लिम डिटेंशन कैंप ठीक है इसके लिए इनको ये जर्नलिस्ट का अवार्ड मिला है ठीक है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट अगर 2020 से पुलिसर प्राइस से क्वेश्चन आया है तो दर इज स्ट्रॉग पॉसिबिलिटी दैट ट्वेंटी ट्वेंटी वन के विनर्स में भी क्वेश्चन आ सकता है ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर वट इज़ द लेटेस्ट सेटअप क्रिएटेड इन अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी बाई द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बाई अमेंडिंग द जम्मू कश्मीर रूल्स नाइनटीन नाइनटी सिक्स ऑप्शन ए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एसोसिएशन बी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड्स और डी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एसोलिएशन सो द करेक्ट आंसर हियर इज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल दैट इज डी डी सी लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव वट इज द ऑफिशियल एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो जम्मू कश्मीर का ऑफिशियल एनिमल क्या है ए कश्मीर स्टैक बी स्नोलेपॉट सी ब्लैक एंटीलोप और डी पिंक फ्लैमिको सो द करेक्ट आंसर हेयर इज कश्मीरी स्टैक विच इज़ ऑल्सो नोन एज हंगुल ओके सो इट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्स स्पीशीज एंड द नेशनल पार्क विच इज़ फेमस फॉर हंगुल इज दाचिगम नेशनल पार्क अगर हम स्नो लेपार्ट की बात करते हैं तो हेमिस है नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में है वो फेमस है फॉर स्नो लेपार्ट और ब्लैक बैक एंटीलोव विच इज़ आल्सो नोन एज इंडियन एंटीलोप या हम इसको काला हिरन भी बोलते हैं तो ये जो है नेटिव है इंडिया और नेपाल को एंड द नेशनल पार्क वेल्बडार ब्लैक बक नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है वो फेमस है फॉर ब्लैक बक एंटीलोप सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स नंबर थर्टी सिक्स हियर इज टू स्प्रेड इट्स कास्ट अमंग द पीपल द इंडियन नेशनल कॉन्ग्रेस मेट एवरी ईयर फ्रॉम तो किस साल से आईएनसी की जो मीटिंग है वो स्टार्ट हो चुकी थी सो द करेक्ट आंसर हियर इज़ ऑप्शन ए 1885 व्हेन आईएनसी वाज एस्टैब्लिश सो इट्स फाउंडेशन स्टोन वाज लेड बाय ए व्हेन लॉर्ड डफरिन वाज वायसराय और इसके पहले प्रेसिडेंट जो थे वो थे डबल डबल सी बनर्जी डब्ल्यू सी स्टैंड फॉर वुमेश चंद्र बैनर्जी। अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट मीटिंग हुई कहाँ थी तो दैट वॉज हेल्ड इन बॉम्बे इनिशियली इट वॉज शड्यूल्ड इन पुणे बट ड्यू टू कॉलरा इट वॉज शिफ्टेड टू बॉम्बे ओके तो नंबर ऑफ डेलीगेट्स कितने थे फर्स्ट मीटिंग में दैट वॉज सेवेंटी टू इन नंबर वन टू द क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन द खिलाफत कॉमेटी वॉज फॉर्म टू डिफेंड ऑप्शन ए रिवॉल्ट सत्याग्रह बी खलीफाज टेम्पुरल पावर्स सी यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट और डी ऑटोमन टर्की सो द करेक्ट आंसर हियर इज़ बी खलीफाज टेम्पोरल पावर तो खिलाफत कमेटी खलीफा की टेम्परल पावर्स को डिफेंड करने के लिए बनाई गई थी हुआ क्या था बेसिकली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में टू ग्रुप्स थे जिनके बीच में वार हुआ था फर्स्ट ग्रुप इंक्लूड जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी टर्की

तो इसी की जो टर्की आटोमन टर्की के जो पावर्स को रिज्यूम करने के लिए या डिफेंड करने के लिए खिलाफत कमेटी बनाई गई इन मार्च 1919 में बाय अली ब्रदर्स ओके फिर इसी कमेटी ने आगे जाके जो है ख़िलाफ़त मूवमेंट को बिगिन किया इन मा इन नवंबर 1919 Let's move on to the question number 38. Quit India was a dash movement. Option A mass movement, B peaceful movement, C rebellious movement, or D fires movement. So the correct answer here is option A mass movement. So, Quit India movement was launched by Mahatma Gandhi on 9th of August 1942 in Bombay. It is also known as August Karanti or august movement so during quit india movement gandhi ji gave the famous slogan of do or die so let's move on to the question number 39 number 39 on which date and month was the boycott resolution passed तो कौन सी डेट में और कौन से महीने में बाइक रेजोल्यूशन पास हुआ था ऑप्शन ए टेंथ अगस्त बी सेवन सितंबर, सी एलेवेंथ सितंबर और डी सेवनथ ऑफ अगस्त सो द करेक्ट आंसर हियर इज़ ऑप्शन डी सेवन अगस्त तो हुआ क्या था बेसिकली लॉर्ड कर्जन जो तब बायस रहे थे इंडिया के उन्होंने अनाउंस किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल इन जुलाई नाइनटीन जीरो फाइव उसी को अपोज करने के लिए आईएनसी ने स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया विच रिज़ल्ट इन बाय रेजोल्यूशन ऑन सेवेंथ ऑफ अगस्त 1905। जीरो फाइव लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आफ्टर द स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस इन नाइनटीन जीरो सेवन वट डिड द मॉडरेट अपोज तो जब कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था नाइनटीन जीरो सेवन में तो मॉडरेट किस चीज़ के विरुद्ध थे ऑप्शन ए बाईकॉट बी प्रोटेस्ट सी नॉन वायलेंस और डी पोलिटिकल रैलीज सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए बायॉट ओके जो 1907 का जो सेशन हुआ था वो हुआ कहाँ था तो वो हुआ था सूरत में ऑन द बैंक ऑफ रिवर तापी और अगर हम इसे प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो वो थे राश बिहारी घोष सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट टू डेज वीडियो आई होप यू फाइंड इट यूजफुल देखिए गाइस ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे मगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक डायरेक्शन देते हैं कि आपको किस टॉपिक पर ज़्यादा स्ट्रेस देना है अदर रिसेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जेके के मैं उनको भी कवर कराऊंगी ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है Okay guys, now take care, stay happy, stay healthy.